ये कटु सत्य है, इस पर आपको बात करनी होगी बाबा। देश को बचाने में डॉक्टरों ने जो योगदान दिया है, मैं फिर वापस दोहराता हूँ, वो खाली दो काम कर ले, जो वेंटिलेटर पर पेशेंट हैं, जो ऑक्सीजन जिनको जो है आईसीयू में रखे हुए, आईसीयू वाले और वेंटिलेटर पेशेंट तो वो संभाल ले, बाकी एसिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक और भी सीवियर पेशेंट तक भी, जिनकी 75-80% भी ऑक्सीजन आ गई है, जिनके फेफड़े कमजोर है, जिनका नर्वस सिस्टम कमजोर है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनका बीपी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उन सब पेशेंट को मैं ले लेने के लिए तैयार हूं, पूरी प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ आपके चैनल पर मैं पूरे खुले तौर पर ये चुनौती को स्वीकार करता हूं। लेकिन क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है बाबा? 10% लोग यदि एलोपैथी ने ठीक किया, सवाल ये खड़ा होगा, लोग योग आयुर्वेद प्राकृतिक तौर तरीकों से ठीक हुए, खुद हमारे एम्स के डॉक्टर गुलेरिया जी भी कह रहे हैं कि 90% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है आमिष भाई। बाबा लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी संस्था के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी दुखद देहांत हुआ है, तो बाबा रामदेव प्रैक्टिकल चीजों को समझे, ये भी वो कह रहे हैं बाबा। और क्या ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सवाल खड़ा होगा? तो देखो माना, मैंने माना। अच्छा ये बताओ, मतलब मैं तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण साइंटिफिक एविडेंस के साथ रोगी ठीक करूं, सब रिसर्च करके और योग रिसर्च बेस्ड इनोवेशन एविडेंस बेस्ड योग आयुर्वेद की बात करूं तो ये अप्रामाणिक कैसे? जहां तक किसी एक व्यक्ति की मौत की बात करते हैं, माना कि किसी भी की भी मौत बहुत दुखद होती है। अब डबल वैक्सीनेशन के बाद क्या डॉक्टर्स की मौत नहीं हुई? एक व्यक्ति की मौत को क्यों मुद्दा बनाते हो? मैं तो मुद्दा नहीं बना रहा, मैं तो ये कह रहा हूं डबल वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज ले लो, ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लो कि आप कोरोना से ना हारे, कोरोना को हरा पाए। तो वैक्सीनेशन की डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज में दिक्कत क्या अमित भाई? और आपने भी तो इस जंग को जीता है, क्या आपने योग नहीं किया? नहीं, और क्या हमारे मीडिया के वो भाई हारे नहीं? वो हमारे वो प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार क्या आज हमारे बीच में नहीं है? जी, उसका कारण कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है? आपसे ही पूछता हूं, आपने क्या किया था अमित भाई? नहीं, मैं तो मानता हूं कि जब मुझे कोविड हुआ था तो मैंने योगा को करा था और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी थी, मेरे तो गले में भी दिक्कत हुई थी आपको पता है बाबा, 1 साल पहले, उसके बाद भी मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी थी, मैंने दवाई भी ली थी, मैंने एलोपैथी दवाई भी ली थी जिसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने योगा भी करी थी, इसमें कोई दोराय नहीं है, सांच कुआंच नहीं है, जो सत्य है वो मैं हर मंच पे खड़ा होकर बोल सकता हूं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि डॉक्टर्स का भी बड़ा योगदान है इस लड़ाई के अंदर, जिन्होंने अपनी जान को गवा दिया है। लेकिन मैं मान रहा हूं, उस बयान से सम्मान देता हूं जी, और मैं ये कहता हूं कि ये मिलकर के लड़ाई लड़ो, हमारे तो ऋग्वेद का संदेश है संगच्छध्वं संवदध्वं, लेकिन और ये आईएमए पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है, ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो साबुन टूथपेस्ट, आप इनके आप आईएमए का जाकर के पूरा इतिहास खंगा लो, ये क्या ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को, ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहां से आ गई भैया? और इनके पास कौन सी रिसर्च लेबोरेटरी है, इनके पास क्या साइंटिफिक सेटअप है, किसी भी चीज का साइंटिफिक, ये जो एक्रेडिशन की बात करते हैं, वैलिडेशन की बात करते हैं, ये होते कौन है साइंटिफिक एक्रेडिशन और वैलिडेशन वाले? इन लोगों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए, मैं तो इसी विचार का हूं, अरे अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का और वैज्ञानिक अनुसंधान का सम्मान। जब तक आप वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, जब तक बाबा रामदेव वीडियो में 1,000 करोड़ के नाम पर, वो कह रहे जब तक आप वीडियो पे माफी नहीं मांगेंगे 1,000 करोड़ की मानहानि रहेगी जारी। बाबा रामदेव वो वीडियो माफी की बात करते हैं, वो जो मैं उस फिर वापस किसी का भी अनादर नहीं करना चाहता हूं, जो मेरे से माफी की मांग कर रहे हैं, जो माफी की मांग कर रहे हैं मेरे से, उन जिसकी इज्जत होगी उसकी कोई बेइज्जती करेगा ना? स्वामी रामदेव की इज्जत, स्वामी रामदेव की प्रतिष्ठा, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इनकी क्या हानि कर दी भैया? मान हानि का मुकदमा तो मुझे करना चाहिए। और जहां तक आप बात कर रहे हो कंप्लेंट की, एफआईआर तो खैर हुई नहीं है कहीं, तो कंप्लेंट तो इनके खिलाफ भी सैकड़ों हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इनके
सो कॉल्ड जो डॉक्टर हैं उनको बात करने तक की भी सभ्यता नहीं है।